सारिया वेलिया दोस्तों की भैन भरा की लालेशी की तरफों असलाम वालेकुम। इस दुआ नाल जी कि अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ के महीने में असा सारे पर अपनी रहमत करें, अपनी बरकत करें, साढ़े जी टुटिया फुटिया बातें उन्होंने की कबूल करें। तो अस अज तैयारी करने जी अफतार पार्टी नहीं, अफतार पार्टी नहीं मसलना, तो असा एक अफतार पार्टी ने पैक बना सकता तुम्हें बताया कि कोरोने तो पहले जड़िया अफतार पार्टियां बंद हो गई से काफ़ी देर तू 2 साल हो गए। तो असा खाली पैक कर सर घर भी इसमें थोड़ा मुझे मेहमान मगर ज़्यादातर जसा पैक ही देसा। तो इस वीडियो असा शेयर करसा जी असा क्या बनाई रहे हैं इस बड़ी अफतारी वास्ते। तो तुसा प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करो, लाइक कर आए। अज जी अफतारी टाइम आ जनाब 8:29 तो साड़ी घड़ी के मुताबिक हूँ टाइम हो गया जी 4:30। तो असा आस्ते आस्ते अपनी अफतारी नहीं जी तैयारी शुरू की भी। तो सब तो पहले जी असा बनाए स्प्रिंग रोल ते मीट एंड वेजिटेबल जड़े समोसे वह बनाने पे। तुम्हें पता है ये बहुत टाइम किन्ने। तो इस दरमियान जी फोन आ गया साड़ी धी ना कि साड़ा जड़ा है दो त्रा जड़ा है जी दिहाड़ी साढ़े दो दो जरूर गल्लां करना। तो असा कि हूँ बिछाना आस्ते आस्ते ये स्प्रिंग रोल ते जी ये वेजिटेबल समोसे जो तुम्हें बताया ये काफ़ी टाइम किन्ने। असा पहले इन्हें की बनाई उड़सा तैयार करी उड़सा मगर इन्हें फ्राई आखिर ते करसा सारे जाइए ताकि ठंडे ना हो जाए क्योंकि खाली प्रिपरेशन की बहुत टाइम लाने। तो तुम्हें पता है इन्होंने तो बगैर जोड़ा अफतारी मज़ा भी नहीं रहना। तो उस जी अज मचिस्टर जी मौसम बहुत सोहना सा धुप सोहनी निकली भी तो बच्चे भी बाहर खेलने पे अज मिठे चावलों मैं दम लवाता वे तो हूँ मैं बना लगी हाँ बिरयानी। यह पाकिस्तानी बिरयानी जिस तरह बनाते हैं देगा वाली उस तरह ही अज मैं तुम दसागी किस तरह बनाई दी है। मेरी फेवरेट मैं बहुत पसंद है। तेल में पाता वे चिकन में पान लगी हैं चिकन पा के जीरा वे स्टार ने दालचीनी छोटी इलायची वड्डी इलायची लौंग ते तेज पत्ता ने यखनी दे इच भी ये सारा कुछ वे ही पैंदा वे जिले यखनी कढ़नी है। सिर्फ 4 चीज़ों दे जिहड़े ने प्याज थोम सुखा धनिया ते सौंफ। सौंफ जरूर डालनी है जखनी दे विच नहीं है क्योंकि यह खुशबू वाली बिरयानी है। तो वाहद बिरयानी है ये प्याज का तड़का नहीं लगता इस प्याज नहीं फ्राई करीदा। तो एक प्याली दही दी है ना मैं भुनागी थोड़ी देर भून के बाद च मैं यखनी पाकना फिर मैं चावल पावगी फिर तुम मैं दसागी। देखो ये चिकन पुज गया वे दही दे विच नहीं तो मैं हूँ यखनी पान लगी हूँ। बिस्मिल्लाह देखो प्याज तो बगैर है ना ए प्याज नहीं फ्राई होंगे नहीं ए कलर इंज हों तो नाले नहीं मैं जरदे के बीच नहीं क्योड़ा पाना भुली गई सा तो क्योड़ा भी पाई दा जरदे के बीच नहीं तो हूँ उन्हें बोए लाएगा ना बाद फिर बीच मैं चावल पावगी। जखनी होगी जी बोयल बोयल तो जखनी तो बाद बनना चावल तो कितने गिलास चावल आने तकरीबन 2 किलो चिकन है ते 12 गिलास चावल आते हैं छोटे गिलास जड़े हाँ मीडियम साइज जो होंगे ने मैं गिलासा के हिसाब न पानी हाँ किलो के हिसाब न नहीं पाती मैं शुरू तो इंज ही तरीका है। तो नाल समोसे भी मैं फ्राई करी रही हाँ आसा आसा मैं सारा काम तैयार हो टाइम बड़ा जल्दी गुजरना पाया जी तो फिर असा के बनाई तो देने भी है।
ते हुण जिहड़ा नाल नाल जिहड़ा समोसे ते डेनी बस तों बाद स्प्रिंग रोल ये भी फ्राई करसा ते हुण जिहड़ा ने दम रेडी है ते हुण मैं कलर पा लगी उत्ते जरदा रंग ते ओह फिर हाफ जरदा होई जांदे ने येलो कलर ते हाफ वाइट रही जांदे ने नाइस डेकोरेशन नाइस लगने ने दो कलर ने हुण मैं दम ते रख लगी आ चावलां नूं ते दम ते रखण तों बाद फिर मैं तुहानूं दसांगी ते नाल ही फिर हुण मैं नी दूसरे चावल भी मैं कहनी आ स्वीट राइस नी ओह भी नाल बनाउण लगी आ उस रैसा बनानी खीर सी जी क्योंकि जड़ा ये कुछ आखिया सा कि जरदा बनाओ क्योंकि बर्मिंघम सा एक भैन सी उस आखनी सी जरदे ने असें रैसिपी दसो ते नाल जड़ा असा जरदा बनाने हैं वैसे असा बनानी खीर सी अफतारी वास्ते तो हुण असा जरदा भी नाल बना लगे हाँ ते ओ फिर तुसी हुण देखना मैं की विच पा रही हाँ जी आप पहले बॉयल करने ने ते 75% नहीं बॉयल करने ने ते एग येलो एग कलर तुसी यूज़ करना है और ओरेंज कलर नहीं यूज़ करना एग वाला एग येलो नहीं है लैके आया करो नहीं ए वाला ऐसे ही चावल रंग दिंदा वे एना बहुत नाइस चावल का रंग निकलता वे ते बाकी चीज़ा जरा जे कोकोनट है बादाम ने इलायची का पाउडर है क्योड़ा है डबल क्रीम है शुगर बटर सारा कुछ नहीं तो मैं रंग पान लगी ये बोल लेंगे तो देखना कितना नाइस है कलर नहीं चावलों का नाइस कलर होंगे वे नहीं हमेशा इन्हें तुम फुल कुक नहीं करने हाँ 75% नहीं कुक करी देने क्योंकि बाद फिर तुम थोड़ा जहा दुध वगैरह नहीं डालते बिच बाकी कसर पूरी कर देने मैं दुध डालूंगी इन्हें बिच एक्स्ट्रा पानी हूँ मैं ड्रेन करता सिंक दे विच ते चावलों तुम पूने ही रहन दो तो उस तो बाद ऐसे हांडी बाकी दी चीज़ा नहीं तुसी पा लवो मैं किलो के हिसाब नहीं मैं गिलास दे मेरा हर बंदे अपना अंदाजा होंदा मैं 6 गिलास चावलों के सी ते हमेशा याद रखना जिन्हें गिलास चावलों के होना तुसी उन्ने गिलास शुगर देने चीनी दे डाल देने फिर सही मिठा रहिंदा वे तो हुण मैं इहदे च दुध पा रही हाँ डिपेंड होंदा ना किन्ने चावल ने फिर उस हिसाब दे नाल नहीं पाने पैंदे ने दूध डाल के उस तो बाद मैं डबल क्रीम नहीं वो पावगी बिच क्योंकि मेरे चावल ज़्यादा ने ना तो मैं हूँ 2 डब्बियाँ पा रही हूँ वैसे तुसी जिन्ने डिपेंड होता तुसी चावल जो थोड़े ने 4 गिलास ने तो 1 डब्बी पा दे तुसी बटर 2 टिक्कियां बटर दियां चावलों के हिसाब के नाल ही होंदा मेरे चावल ज़्यादा इस समय 2 टिक्कियां बटर दियां पा रही हूँ बिच बच्चे बाहर खेलने पे जी लगना इन्ना कि रोज़ा तंग कौन करना पे जाए रोज़े की तंग करने पे दूसरा भी हूँ मैं पाती बटर उस तो बाद बादाम इलायची का पाउडर ते कोकोनट मैं साबित कोकोनट नहीं पाती कोई पसंद नहीं करना बच्चे भी नहीं करने इस वास्ते नहीं मैं ग्राइंड वाला पानी कोकोनट नहीं ते चीनी शुगर डाल दे तुसी नाल हूँ जिसलिए एक दो बोए लाएंगे ना सारी चीज़ा तो उस बाद मैं चावल डालेंगे तो फिर मैं दसांगी बाद देखो हूँ उबाला आ गया वे तो हूँ मैं बिच नहीं चावल पान लगी हूँ बस सारा कुछ मैं बिच पाता ने ते रेडी है ते हूँ सिर्फ इन्हां नूं मैं नहीं हूँ दम दे उत्ते रखांगे ते दम दे रखण तो बाद नहीं असीं फिर जिहड़े कंटेनर नहीं उह रेडी करने
सारा कुछ हो गया जी तैयार तो हूँ अस कर पैकिंग जी तो पैकिंग थोड़ी जल्दी करनी पे सी क्योंकि जो टाइम बहुत थोड़ा रह गया। सब तो पहले अस जे चिकन जड़े रोल ते समोसे करने पे प्लेटा बिच ताकि टुटन ना। नाले जी अजक ज़्यादातर जड़िया अफतारियां बंदोबस्त लोग करने बड़िया अफतारियां वह मस्जिद ही होना जेडे जेडे तकरीबन जेड़ा केटरिंग होनी उत्थ सप्लाई करने ताकि कल्ले बंदे ने वास्ते गल नहीं होनी स्पेशली साड़िया भैन मावं जीडिया ज़्यादातर घर और भी कम करनिया उन्हें भी रोज़ा रखा होना उन्होंने मुश्किल कम हो जाना बड़ी अफतारी ना। चलो दो चार भैन भरा है तो ठीक है अगर बड़ी अफतारी करनी तो मेरे ख्याल जरा केटरिंग करने अजक मस्जिदों में ज़्यादातर जी होनी अफतारी वो जरा केटरिंग होनी तो बड़ा ख्याल एक बेहतरीन तरीका आ तो नाले जरा जी केटरिंग वाले उन्होंने एक सिस्टम चलना कारोबार ना तो अपने वैसे बंदा ईजी रहना। मेरे ख्याल जरा केटरिंग आइडिया है जी इस साल काफ़ी हुई रहा तो मेरे ख्याल जो गुड आइडिया है। सारी जी मैं अज टेस्ट ना करी सकना जी रोज़ा रखा वा नौवीं माड़ी जाब होनी टेस्टिंग नहीं टेस्ट कौन या लू मसा ज्यादा होया तो माफ़ करे ऑलमोस्ट जी साढ़े जड़े पैकिंग है ऑलमोस्ट तैयार होगी जी तो खाली कवर ही करना उपर तो मेरे ख्याल अफतारी तक गर्म ही रहे सन तो मैं थोड़ा जल्दी भी चाह जी क्योंकि मैं अज फिर जाना टाउन में अज फिर जरा पी टी आई ना फिर जलसा आया टाउन में जो कुछ तो होया पाकिस्तान तो तको जिन्हें जिन्हें यह काम किया जी उन्हें भी कोई तिरा रमज़ान शरीफ ना कोई इतराम नहीं अगर तुम करने भी हो तो कोई कोई है भी है गल तो कोई इशू है भी है तो तुम रोजे तो बाद करो तो तको रोजे पहले दूसरे रोजे जाके काम शुरू किया ने हूँ पाकिस्तान जी देखो लोग बाहर निकले हुए उन्होंने रोजे बेचारे ने भी रोजे रखी दे इस मुल्क भी देखो रोजा रख रोजे रखे हुए पिछले जलसे में गया तो उत्थे लोग रात अफतारी करने पे सन उत्ता मगर भरने पे सन तो इस महीने ने भी जी इस इतराम नहीं किया जी इस मैं बड़ा गुस्सा आया तो बंदा उन्हें क्या पूछा जी साढ़े बड़े ताए ये जो तरक्कियां तोड़ने वाले जी इन्होंने अल्लाह ताला ने पूछा जी तो इन्होंने हिसाब करा कि इन्होंने महीने ने उन्हें रमज़ान शरीफ ने कदर नहीं की इस मैं काफ़ी गुस्सा आया तो इस वास्ते मैं जी खुद हूँ जासा टोन में उत्थे अफतारी माड़ी आ जाए तो जरा आप साढ़ा अपना अफतारी ना प्रोग्राम वा ये जरा देसा साढ़े माड़े बच्चे है वह देसा अपने महल तो अपने रिश्तेदारों में तो तुम अपना सारा ख्याल रखे जी मैं दुआ करना अल्लाह बाकी रमज़ान ठीक ठाक गुजरे तो अगले वीडियो तक जी अल्लाह हाफिज़।